वीडियो में हम बात करेंगे ई श्रम कार्ड के बारे में। यहाँ पे ई श्रम कार्ड बनने लगा है, आज सुबह है। यहाँ पे देखिए 24/10/2021 है, आज 24 तारीख है और यहाँ पे 5-6 पर ये वीडियो क्रिएट हो रहा है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग 5-6 यानी कि 5:56 पर ये हो रहा है और यहाँ पे हम अपने सीएससी पैनल पर जाएंगे और आपको दिखाएंगे ई श्रम कार्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा किसी भी अपडेट के लिए, ताकि आपको कोई भी अपडेट, जो भी अपडेट आता है सीएससी के थ्रू या ई श्रम कार्ड के थ्रू, आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम अपने सीएससी पैनल पर चलते हैं। यहाँ पे हम अपने सीएससी पैनल पर आ चुके हैं, अब हम ई श्रम की वेबसाइट पे चलेंगे। यहाँ पे ई श्रम NDUW रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो अगला इंटरफेस आएगा इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से आता था, लेकिन जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन थ्रू सीएससी पे क्लिक करते थे तो दूसरा एरर आ रहा था। तो यहाँ पे जो दूसरा एरर आ रहा था वो ख़त्म होकर अब इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए ये सही है, अब यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप यहाँ पे UW रजिस्टर पे क्लिक करके यहाँ पे मोबाइल नंबर और कैप्चा फिलअप करके सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम आपको एक एक कार्ड भी आपको बनाकर दिखा देते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है पूरी तरह अच्छी तरह से या नहीं हो रहा है, आपको एक कार्ड बनाकर भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे, यहाँ पे कैप्चा, उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, जैसा कि ऑलरेडी आप जानते हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल पर OTP आएगा, जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे OTP आ जाएगा। यहाँ पे OTP फिलअप करना है, यहाँ पे हम सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिसका आप बना रहे हैं उसका आधार कार्ड यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद कैप्चर फिंगरप्रिंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने डिवाइस में, जो भी आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में बना रहे हैं, यहाँ पे आप अपने फिंगरप्रिंट डिवाइस को अटैच करिएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालना है, उसके बाद कैप्चर फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है। चलिए हम इसमें कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही ओके का बटन आता है, उसके बाद आप कैप्चर फिंगरप्रिंट से अपना फिंगर हटा के यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ओके का बटन आ गया है, अब हम यहाँ पे ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद आपको प्लीज वेट लिखेगा, उसके बाद यह कैप्चर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आधार EKYC के द्वारा सारा डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे आप क्लिक करेंगे और कंटिन्यू टू इंटर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फिर यहाँ पे आपको मेटेरियल स्टेटस डालना है। यहाँ पे नेवर मैरिड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर मैरिड है तो यहाँ पे फादर का नाम पड़ेगा, और यहाँ पे अगर वैसे ही फिर यहाँ पे फादर नेम आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, OBC SC ST में आते हैं, तो यहाँ पे आप OBC SC ST डालेंगे। यहाँ पे आपको नॉमिनी डालना है, नॉमिनी का डिटेल्स आपको फिलअप करना है, उसके आगे ये नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको नॉमिनी का डिटेल्स डाल देना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जेंडर डाल देना है, और यहाँ पे आपको रिलेशनशिप डाल देना है, और यहाँ पे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ हो आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो विलेज का नाम यहाँ पे ऑलरेडी रहेगा, यहाँ पे स्टेट फिर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपका एरिया कोड रहेगा। उसके बाद यहाँ पे जितने साल के हैं वो सारे यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डालना है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डालने के बाद आपको, उसके बाद यहाँ पे इनकम डालना है, तो इनकम यहाँ पे 10,000 से बिलो रहेगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक्यूपेशन डालना है, तो एक्यूपेशन डालने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक व्यू NCO पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पूरा लिस्ट खुल जाएगा, आपको जो भी एक्यूपेशन यहाँ पे डालना है वहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ से कॉपी करके आप इस लाइन में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्यूपेशन का एक्सपीरियंस डालना है, जितने साल से ये कर रहे हैं वहाँ पे एक्सपीरियंस डाल करके, और इसको बैक करना है। उसके बाद ये आ जाएगा, अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालना है, और यहाँ पे कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, यहाँ पे IFSC कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे बैंक नेम और ब्रांच नेम यहाँ पे अपने आप ले लेगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर सारा कुछ फिलअप करके उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे फिर से मिला लेना है।
क्या सही है या गलत है। अगर आप यहाँ पे सही है तो उसको एडिट कर देना है, अगर सही नहीं यहाँ पे सही है पूरी तरह से तो उसकी एडिट नहीं करना है। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट के क्लिक करने के बाद यहाँ पे कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कार्ड बन चुका है। उसके बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओके करना है। अगर एक बार डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स में कार्ड नहीं छपेगा, दोबारा से आप डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे दोबारा से डाउनलोड करेंगे उसके बाद ये कार्ड बन जाएगा। तो इस तरह से आज यहाँ पे सर्वर सही हो चुका है, आप यहाँ पे आप कार्ड बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सुबह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।